हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना जो विषय टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ फीदर, काइंड्स ऑफ फीदर्स, फीदर्स के प्रकार। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था, एक टिपिकल फीदर की संरचना पढ़ी थी, एक टिपिकल फीदर की स्ट्रक्चर का अपन ने डिटेल वर्णन किया था, और उसमें आपको ये बताया था कि एक जो फीदर होता है उसमें जो संरचना बताई थी, वहां यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम है वो नहीं बना रखा है, वो इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बना करके बताया था, जिसमें एक फीदर के अंदर मेन जो एक्सिस होती है, दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सिस होती है और दूसरा क्या होता है उसके अंदर वेन होता है। जो एक्सिस होती है उसके दो भाग बताए थे, ये कैलामस और दूसरा नाम बताया था क्विल, और ये वाला जो एक्सिस का पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक उसका नाम अपने रेकिस बताया था और दूसरा नाम बताया था साफ्ट। इसके बाद में था वेन, ये जो पत्ती नुमा दिख रहा है, लीफ के समान दिख रहा है, वो उसको क्या बताया था, वेन, और उस वेन के ऊपर ये खूब सारी बाब्स लगी है, और इन बाब्स पे भी फिर छोटे छोटे रोम निकले होते हैं जिनको अपन ने बारबुल्स बोला था, जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती है, इस उस वजह से ये बाब्स है वो अलग अलग नहीं हो पाती है। लेकिन इसकी संरचना ये अपने रेक्टिसेज का बना रखा है, इसकी संरचना में और टिपिकल फीदर की संरचना में एक अंतर बताया था, वो अंतर ये था कि ये जो वेन है जिसको ये एक्सिस डिवाइड कर रही है, रेकिस डिवाइड कर रहा है, तो वहां पर क्या कि ये दोनों जो फलक है वो एक छोटा था और एक बड़ा था, इनर वाला बड़ा था उसमें और आउटर वाला छोटा था, जबकि इसमें बराबर है। इस प्रकार से मैंने एक टिपिकल संरचना बताई थी फीदर की। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि जो कुछ बर्ड्स के अंदर जो कैरिनिटी के अंदर आते हैं उनमें जो विंग्स का अरेंजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है बॉडी के ऊपर, पेचेज के रूप में होता है, उनको टेरिली बताया था, और उन टेरिली के बीच में जो स्पेस होता है उनको बताया था अपटेरिया। तो ये सारी चीजें अपन पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार उसको रिपीट कर ले, उसके बाद में इसको देखें। और अब अपन लेते हैं काइंड्स ऑफ फीदर्स। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को देखने से आपको यूं लग रहा होगा कि ये बहुत टिपिकल है, ये इतना टिपिकल नहीं है, और अगर थोड़ा है तो भी मैं अभी इसको 10 मिनट के अंदर है वो एकदम से इजी कर देता हूं। तो काइंड्स ऑफ फीदर्स पढ़ रहे हैं अपन, काइंड प्रकार, फीदर्स के प्रकार। तो जो पक्षियों के अंदर जो वेरियस फॉर्म्स होती है और पंखों के अलग अलग कार्य होते हैं और उनकी अलग अलग पोजीशंस होती है, उनकी लोकेशंस होती है, उसके आधार के ऊपर है वो अपन ने पंखों का डिविजन कर रखा है, उनका प्रकार बना रखे है, किस आधार पर, अलग अलग फॉर्म पे, अलग अलग फंक्शंस पे और अलग अलग लोकेशन के आधार पर पक्षियों के प्रकार। यहां पर जो डायग्राम बना रखा है वो डायग्राम पिजन का है, उसको अपन ने एक सैंपल के तौर पे लिया है, पिजन का जो है पंख है उनको अपन ने सैंपल के तौर पे लिया है। अब जितने भी पंख है उनको अपन डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, सबसे पहला अपन लेते हैं फ्लाइट फीदर्स, फ्लाइट फीदर्स या क्विल फीदर्स, क्विल फीदर्स, ये वो फीदर्स होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं, पक्षी के उड़ने में सहायता करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइट फीदर्स, क्विल फीदर्स, जिसकी संरचना अपन ने कल पढ़ी थी। वो कौन कौन से हैं, ये पक्षी की क्या है, फोर लिम्ब, इस फोर लिम्ब के अंदर जो बोन्स होती है वो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, उसके बाद में कार्पोमेटा कार्पल्स आता है, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये ह्यूमरस हो गई, ये अल्ना हो गई, और उसके बाद में ये कार्पोमेटा कार्पल्स है, और उसके बाद में फेलेंजेज लगी हुई है, अंगुलियां लगी हुई है, फेलेंजेज होती है। तो इसको अगर अपन देखें एक बार, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये तो रेडियो अल्ना हो गई, ये मेटा कार्पल्स हो गया, कार्पोमेटा कार्पल्स हो गया, कार्पोमेटा कार्पल्स, और इस कार्पोमेटा कार्पल्स के आगे ये देखिए ये फेलेंजेज है, तो ये फर्स्ट फेलेंजेज है, फर्स्ट, उसके बाद में आता है ये सेकंड,
ये सेकंड फेलेक्सिस है, इस सेकंड का ये डिस्टल है, डिस्टल फेलेक्स और ये वाला कहलाता है प्रोक्सिमल फेलेक्स। फर्स्ट ये सेकंड और ये सेकंड का डिस्टल और ये यहां पर निकला रहता है थर्ड। तो ये फेलेक्स है मतलब अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, कार्पो मेटाकार्पस और उसके बाद में ये फेलेंजेज है जिसमें ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, सेकंड में दो है, डिवाइड कर रखा अपने डिस्टल फेलेक्स और ये प्रोक्सिमल फेलेक्स और ये थर्ड फेलेक्स है। अब इनके ऊपर पंख लगे रहते हैं, फेदर्स लगे रहते हैं, वो फेदर कौन कितने होते हैं, 23 फेलेक्स बताया अपन ने, संख्या में 23 होते हैं। उन 23 को अपन ने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, वो स्टार्टिंग के ये जो 11 आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं रेमिजेज। इसका सिंगुलर तो होता है रेमेक्स, सिंगुलर है वो रेमेक्स है। तो इन 11 को अपन तो बोलते हैं प्राइमरी रेमिजेज और उसके बाद में ये 12 बच गए वो 12 क्या कहलाते हैं सेकेंडरी रेमिजेज और इनका दूसरा नाम क्या कहता है क्यूबिटल। तो ये हो गए प्राइमरी रेमिजेज और ये हो गए सेकेंडरी रेमिजेज। सेकेंडरी रेमिजेज का दूसरा नाम क्या है क्यूबिटल। अब इनकी लोकेशन कहां पर है, लोकेशन ये है कि फर्स्ट और सेकेंड, ये जो फर्स्ट दिखा रखा है ये सेकेंड दिखा रखा है, ये प्री डिजिटल्स है, प्री डिजिटल्स यानी ये डिजिटल फेलेक्स के ऊपर लगे हुए हैं, डिजिटल फेलेक्स के ऊपर। और थर्ड और फोर्थ है वो लगे रहते प्रोक्सिमल फेलेक्स के ऊपर, चार और उसके बाद में ये 7 बच गए वो किस में लगे रहते हैं कार्पो मेटाकार्पस पर। तो इस प्रकार से ये 11, ये 11 क्या हो गए रेमिजेज, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं प्री डिजिटल्स किस में लगे रहते हैं, जो सेकंड फेलेक्स है उसके डिस्टल पर और प्रोक्सिमल फेलेक्स पर, दो इस पे लगे रहते हैं, दो इस पे लगते हैं। इसके प्रकार ये कितने हो गए 4 और उसके बाद में ये 7 और बच गए, ये 7 लगे रहते हैं इस कार्पो मेटाकार्पस पर। इसके बाद में ये आते हैं 12 से लेकर के 23 तक, जिसको अपन ने सेकेंडरी बोल रखा है वो लगे रहते हैं अल्ना पे। तो इस प्रकार ये 23 जो कौन से है रेमेक्स, जिसको अपने प्राइमरी रेमिजेज पे और सेकेंडरी रेमिजेज में डिवाइड कर रखा है। इनकी संरचना टिपिकल संरचना है जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, लगभग इसकी संरचना ऐसी होती है, केवल और केवल है वो इसका जो हाफ फलक का जो हाफ है वो थोड़ा छोटा होता है, बाकी संरचना इसकी सेम होती है। सेकेंड आता है टेल फीदर, टेल के ऊपर कौन से रेक्ट्रिसेज, ये रेक्ट्रिसेज है, रेक्ट्रिसेज इनकी संख्या भी 12 होती है जो कि पिजन के पक्षी के टेल के ऊपर लगे रहते हैं रेक्ट्रिसेज। इन रेक्ट्रिसेज और ये कौन से हो गए रेमिजेज, दो रेक्ट्रिसेज की संरचना देखिए, ये इनकी संरचना सेम वैसी है जैसे अपने टिपिकल में पढ़ी है। टिपिकल में क्या पढ़ा था कि जो फलक है उसको हाफ जो फलक है इसका वेन का वो क्या है छोटा है और हाफ होता है वो बड़ा होता है। अब ये जो 12 रेक्ट्रिसेज अपन ने बताए वो जो 12 रेक्ट्रिसेज है उनकी संरचना ये है, वही कैलमस है, रेकिस है और वेन है पूरी की पूरी, लेकिन ये जो वेन का जो हाफ पोर्शन ये और हाफ ये है वो इक्वल होता है, इक्वल हाफ ऑफ वेन। और इनमें भी हाइपोरेकिस पाया जाता है, यानी ये इंफीरियर इम्बिलिकस बताया था, यहाँ पर सुपीरियर इम्बिलिकस बताया था, ये वाला कैलमस है एक्सिस का भाग और ये एक्सिस का भाग क्या कहलाता है रेकिस और ये वेन। तो ये दो हो गए और तीसरा कौन सा होता है कवर्स, तीसरा कौन सा होता है कवर्स, ये वाले कवर्स है यानी रेमेक्स और रेक्ट्रिसेज के बीच में जो लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं कवर्स। तो ये विंग के साथ में लगे हुए तो इनको क्या बोलते हैं विंग कवर्ट, विंग कवर्ट और इनको बोलते हैं टेल कवर्ट, क्योंकि ये टेल वाले भाग पे लगे हुए, दोनों की संरचना
शेम होती है, किसके समान होते हैं, रेमिक्स के समान होते हैं ये रेमिजेज, उड़ने में सहायता करते हैं, रेक्टिसेज उड़ने में सहायता करते हैं। इसके साथ इसके अलावा ये पक्षी जब ऊपर से उड़ता है तो उसका स्टेरिंग का काम भी करते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन को मोड़ने का भी काम करते हैं, और ये उड़ते समय ब्रेक लगाने का भी काम करते हैं। तो रेक्टिसेज है वो क्या काम करते हैं, स्टेरिंग का भी काम करते हैं और ब्रेक लगाने का काम भी करते हैं। रेमिजेज उड़ने में सहायता करते हैं। फिर कौन सा बच गया, कवर्स, ये वाला कौन सा है, विंग कवर्स, जो प्रत्येक रेमिजेज के जो कैलमस वाला पोर्शन होता है उनमें जो स्पेस होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, इतनी संख्या इनकी होती है, ये कहलाते हैं विंग कवर्स और ये कहलाते हैं टेल कवर्स। ये उड़ने में सहायता कम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं बुवेंसी, एयर की बुवेंसी का अपोज करते हैं, यानी जो वायु है उसकी प्रतिरोधकता का वो उसका विरोध करते हैं, पूरी प्रतिरोध करते हैं उसको, वायु के अगेंस्ट है वो मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, कौन से कवर्स। तो ये जो मैंने आपको विंग बताए अभी वो कौन से बताए, फ्लाइट फीदर्स जो उड़ने में सहायता करते हैं, कौन कौन सा बताया, तीन, एक तो बताया रेमिक्स रेमिजेज या रेमेक्स, सिंगुलर हो गया रेमेक्स, एक। दूसरा कौन सा बताया, टेल वाले पार्ट में पाए जाते हैं वो कौन से, रेक्टिक्स 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 दो, और तीसरा कौन सा बताया, कवर्स, ये कवर्स। तो ये आपको तीन जो मैंने आपको विंग बताए वो क्या कहलाते हैं, फ्लाइट फीदर्स, कौन से, रेमिजेज प्रैक्टिसेस और कवर्स। ये विंग कवर्स है, विंग में पाए जाते हैं, ये टेल वाले भाग में पाए जाते हैं, टेल कवर्स। इनकी संरचना टिपिकल फीदर के समान, प्रैक्टिसेस की संरचना आपके सामने यहां पर दे रखी है, फलक बराबर है बाकी शेप। कवर्ड की संरचना, चाहे वो विंग कवर्ड हो चाहे टेल कवर्ड हो, उनकी संरचना टिपिकल फीदर के समान होती है। तो इस तरीके से ये फ्लाइट फीदर्स है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन कंटूर फीदर के ऊपर, एंड पक्षी की बर्ड की पूरी बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं, कौन से, कंटूर। क्या इसकी संरचना में क्या है, वही है इंफीरियर एम्बिलिकस, जहां कहां पर होता है ये, सभी के अंदर एपिडर्मिस की फोलिकल के अंदर ये दशा रहता है, यहां से इसमें मसल्स जाती है, यहां से इसमें ब्लड वेसल्स जाती है जो न्यूट्रिएंट्स और पिगमेंट सप्लाई करती है, बाकी वही वेन है, और ये सुपीरियर एम्बिलिकस यहां पर है, और उसके बाद में इसमें ये हाइपोरेकिस जो आपको पहले बताया था वही इसमें हाइपोरेकिस पाया जाता है। विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, सॉफ्ट है, डेलिकेट, वुल्ली है, ये ऊन के समान है, ये पूरी बॉडी के ऊपर है, छोटे 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 खूब सारे होते हैं, वुल्ली होते हैं ये। एक इनकी विशेषता क्या है, इनके ऊपर जो ये बार्ब्स लगी रहती है वेन के ऊपर, ये बार्ब है, इन बार्ब के ऊपर क्या निकली रहती है, बार्ब्यूल्स, उनकी संख्या बहुत कम होती है, बार्ब्यूल्स इसके ऊपर बहुत कम होते हैं, तो इनकी बार्ब को एक एक करके अलग किया जा सकता है इजीली, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म यहां पे बहुत कम होती है, तो ये कहलाता है कंटूर फीदर। कंटूर फीदर के बाद में आता है अपन फाइलोप्लूम पे, फाइलोप्लूम में भी क्या है, छोटा सा कैलेमस होता है यहां पे, बाकी संरचना सेम है, छोटा कैलेमस है, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट है वो बहुत लंबा होता है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है, हेयर लाइक है, हेयर लाइक होता है ये, ठीक है। तो यहां पर कैलेमस छोटा है, ब्रेकिस बड़ा सारा है, बार्ब निकले हुए थे अन एंड पे, बार्ब्स निकले रहते हैं और छोटी छोटी इसके ऊपर बार्बिकल्स भी निकले रहती है, बार्ब्यूल्स भी निकले रहते हैं छोटे छोटे। ये पूरी बॉडी पे जरूर पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके फंक्शन है उनका पता नहीं है, अननोन फंक्शन है इनका अभी पता नहीं है। ये है फाइलोप्लूम। फाइलोप्लूम के बाद में आता है डाउन फीदर्स। अब ये डाउन फीदर्स
पिजन में नहीं होता है, और ये डाउन फीडर्स है वो न्यूली हैच्ड बर्ड में होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एकदम से, कॉटन लाइक वुली होते हैं। विशेषता क्या है यहां पर, ये इसका कैलमस है लेकिन रेकिस नहीं है, यहां पे रेकिस नहीं है। सीधा क्या निकला रहता है इसके ऊपर, बार्ब्स निकली रहती है और उसके ऊपर छोटी छोटी बार्ब्यूल्स लगी रहती है। तो ये वाला न्यूली हैच बर्ड में होता है, तो ये कहलाता है डाउन फीडर्स। और इस डाउन फीडर्स के बाद में आता है रिक्टल ब्रिशन। रिक्टल ब्रिशन, रिक्टल ब्रिशन में क्या है, कैलमस है, रेकिस है, लंबा सारा रेकिस है लेकिन इसके ऊपर बार्ब नहीं पाई जाती है। ये रिक्टल ब्रिशन जो फिलोपुल्यूम्स है उसी का मॉडिफाइड रूप होता है, फिलोपुल्यूम्स का ही मॉडिफाइड रूप होता है। और ये मोस्टली मिलता कहाँ है, नेजल चैम्बर के आसपास में और उसके बाद में आई के आसपास में, आंख जो होती है उसके चारों तरफ ये पाए जाते हैं रिक्टल ब्रिशस, और नेजल चैम्बर के पास में पाए जाते हैं। तो ये है रिक्टल ब्रिशस। इसके अलावा एक और होता है टेक्टाइल ब्रिशस भी होता है, तो वो टेक्टाइल ब्रिशस कहाँ पाया जाता है, जो बीक होती है पक्षी की, जो चोंच होती है उसके बेस में पाए जाते हैं और आंख के पास में भी पाए जाते हैं, आई के पास में भी पाए जाते हैं, उनको टेक्टाइल ब्रिशस बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये काइंड्स ऑफ फीडर्स है। काइंड्स ऑफ फीडर्स में ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इस डायग्राम को एक बार आप गौर से देख लीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको आराम से सुन लीजिए आप। इतना ही है कि इसमें अपन ने सबसे पहला लिया फ्लाइट फीडर्स। फ्लाइट फीडर्स में क्या होता है, तीन प्रकार के बताए, रेमेक्स, रेक्ट्रिसेस और कवर्स, तीन बताए जो कि उड़ने में सहायता करते हैं। ये आपको अपन ने बताए 23 प्रकार के, जिसमें से दो प्री डिजिटल, ये दो मिड डिजिटल्स, ये सात जो है किस पे लगे हुए, कार्पोमेटा कार्पस पे, ये कार्पोमेटा कार्पस दिखाई है अपने उस पे लगे रहते हैं। और ये जो 12 आगे दिखाए सेकेंडरी वो वाले लगे रहते हैं अल्ना के ऊपर। इनकी संरचना कैसी होती है, एक टिपिकल फिदर के समान होती है, और टिपिकल फिदर में क्या होता है, वही कैलमस, रेकिस और वेन, वेन के दोनों फलक है वो असमान होते हैं। ये हो गया रेमिजेज। ये कौन सा है, रेक्ट्रिसेज, टेल वाले भाग पे पाए जाते हैं। संख्या कितनी है, 12 होती है। संरचना क्या है, ये रही रेक्ट्रिसेज की, दोनों फलक इसमें बराबर होते हैं, वेन का दोनों पार्ट है वो, जो जो रेकिस डिवाइड करता है वो दोनों बराबर होते हैं। फिर आता है इसमें तीसरा कवर्स, यानी रेमिजेज उनके बीच में पाए जाते हैं और रेक्ट्रिसेज के बीच में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं। ये इन दोनों की एक विशेषता और होती है कि ये आगे भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे की साइड में भी होते हैं, अपर और अंडर दोनों साइड में होते हैं ये वाले, तो ये कवर्स है। और इन कवर्स की संरचना कैसी होती है, इनके समान होती है, किसके, रेमेक्स के समान होती है। ये उड़ने में काम करते हैं, रेक्ट्रिसेज स्टेरिंग और ब्रेक का काम करते हैं, कवर्स अपोज ब्यूवेंसी ऑफ एयर, एयर की जो है वो एयर के अगेंस्ट में जाने में इसको सक्षम बनाते हैं। तो ये तीन प्रकार के बताए। पूरी बॉडी के ऊपर ये दो विंग कौन से, कंटूर फीडर और फिलोप्लूम, कंटूर फीडर और फिलोप्लूम पूरी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ये हेयर लाइक है और ये वुली है, एकदम से वुली है ये। और इनके जो फिलोप्लूम है इनके फंक्शन का भी पता नहीं है। इसके बाद में आपको बताया डाउन फीडर्स जो कि न्यूली हैच बर्ड में होते हैं, यहां पर रेकिस नहीं होता है और इसके ऊपर सीधे बार्ब्स लगे रहते हैं और छोटी छोटी बार्ब्यूल्स लगी रहती है। रिक्टल ब्रिशस जो बताया आपको वो फिलोप्लूम का ही रूपांतरित रूप होता है, लेकिन यहां पर रेकिस तो है लेकिन रेकिस के ऊपर बार्ब्स नहीं पाए जाते, तो ये रिक्टल ब्रिशस है। तो इस प्रकार से एक आपको टेक्टाइल ब्रिशस और बताया जो कि बीक जो होती है उसके बेस पे होते हैं और नेजल चैम्बर्स के पास में होते हैं, आई के पास में होते हैं। तो ये कंप्लीट होता है आपका काइंड्स ऑफ फीदर, पक्षियों के जो पंख है उनका प्रकार। कोई भी समस्या हो आप मेरे चैनल पे जाकर के कमेंट्स में जाकर के कोई भी है वो प्रॉब्लम है आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। और जब आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।